अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस आलाकमान ने भले ही न जाने का फैसला कर लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की सोच इससे इतर है। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर कह दिया है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ रामलला के दर्शन को अयोध्या जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। सोनिया जी और खड़गे जी भी दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 1,00,000 कार्यकर्ता रामलला के दर्शन करने जाएंगे। जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। और जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। 1,00,000 से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह ने भी पार्टी नेतृत्व के फैसले पर आश्चर्य जताया और कहा कि राजीव गांधी जी ने भी राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, निमंत्रण को ठुकराने का क्या संदेश दे रहे हैं। इस तरह का सलाहकार कांग्रेस पार्टी रखेगी तो ऐसे परिणाम लगातार आते रहेंगे। देखिए, राजीव गांधी जी उन्होंने ताला खुलवाया, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहाँ 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्यास को देने की बात कही और वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश उनको हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई, तो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद वहाँ के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े और एक बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़के उन्होंने जीती और उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू किया। तो जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है वो निर्णय वही करेंगे। हालांकि जीतू पटवारी का ये बयान साफ तौर पर पार्टी लाइन के बाहर है, तो वहीं लक्ष्मण सिंह को भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण को अस्वीकार कर बड़ी गलती कर दी है। यही कारण है कि कई कांग्रेस नेता इस मामले में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।